निकल चुके हैं सफर पे। एक हमारे जानकार मिले थे, जस्ट आपको याद होगा कल मार्केट में, तो चिराग उनका खुद के कैंप है, तो उन्होंने बोला था भैया हमारे कैंप पे विजिट करना, तो डेफिनेटली हम आ गए हैं। इस कैंप का नाम है मिराज कैंप। जस्ट ये पेट्रोल पंप आप देख रहे हो पीछे, वो पेट्रोल पंप है मेन रोड के ऊपर, जस्ट उसके पीछे है मिराज कैंप। और अभी हम विजिट करके बताते हैं आपको कि इनके कैंप कैसे हैं, स्टे के लिए कैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, कितने कैंप हैं, और अगर आपको बुक करना है तो डेफिनेटली आप बुक कर सकते हो। सो जैसे कि आपको मैंने बताया मिराज कैंप, और ये इनका रिसेप्शन एरिया में भी है, और यहाँ आप सिटिंग वगैरह करके उसका जब एंटर करते हैं तो भैया बहुत अच्छा सेटअप लगा रखा है इनके कैंप पे। अराउंड कितने कैंप है भैया आपके? 30 कैंप है। 21। और सब डबल बेड है? डबल बेड। ओके, अगर मान लो किसी ने एक्स्ट्रा बेड लगवाना हो? एक्स्ट्रा बेड लगता है। एक्स्ट्रा बेड लगता है, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी लोग ठहरे हुए हैं? अभी ठहरे हुए। कितने लोग रुके हुए हैं अभी? 10 रूम है। 10 रूम लगे हुए हैं, तो रात को प्रोग्राम होगा? होगा जरूर। चलो देखते हैं, अगर हम रुकेंगे तो इनका डेफिनेटली प्रोग्राम शूट करेंगे। तो ये इनका सिटिंग एरिया है जहाँ पे एंटरटेनमेंट चलता है, प्रोग्राम चलता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ खाना यही लगता है क्या? खाना यहाँ नहीं, डाइनिंग हॉल है। तो ये क्या, ये किस लिए है? ये स्नैक्स के लिए। अच्छा, स्नैक्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आप बैठ के इंजॉय करते हैं प्रोग्राम, और स्नैक्स वगैरह चलता है, म्यूजिक चलता है, इस तरह से इनका पूरा सेटअप है। ये सारे इनके आसपास कैंप है, आप देख रहे हो बहुत अच्छा सेटअप है इनका। और प्रोग्राम में क्या क्या रहता है भैया? काल बेलिया वो क्या होता है? प्योर राजस्थानी डांस होता है। कितनी देर रहता है प्रोग्राम? ये रहता है 7:30 से 9 बजे तक। 7:30 के बाद 10 बजे डीजे चलता है। तो डीजे चलता है, लोग अपना डांस करते हैं, उससे पहले कल्चर प्रोग्राम देखते हैं। चलो फिर एक विजिट कराओ कैंप की, दिखाओ कैंप कैसा है। सारे कैंप के रूम एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? सब एक से। अटैच बाथरूम है सबके साथ? सबके साथ है। टोटल 30 कैंप है, यानी आप अपना अच्छा खासा ग्रुप लेके आ सकते हो। अगर आपको एक कैंप में शेयरिंग करनी है, शेयरिंग भी हो जाएगी, रूम वगैरह एक्स्ट्रा बेड वगैरह लग जाएगा। तो क्या चार्जेज हैं वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो इनके मैनेजर है वो यहाँ है नहीं, तो डेफिनेटली मैं आपको प्राइस ऑफर बता दूंगा क्या है। तो जो भी मील प्लान रहता है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जनरली रहता है ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ, और स्नैक्स रहता है, शाम का प्रोग्राम रहता है। तो 1:30 से 2 बजे जब आप वहाँ से निकलते हो जैसलमेर से, तो सबसे पहले आप जीप सफारी कराएंगे। जीप सफारी कराने के बाद आपको शाम को यहाँ लेके आते हैं, शाम को यहाँ स्नैक्स वगैरह चाय वगैरह चलती है, फिर यहाँ प्रोग्राम होता है, और रात को आपका स्टे रहता है। स्टे करने का सुबह ब्रेकफास्ट करके आपको रवाना कर देते हैं। ये कैंप है, और हर कैंप के बाहर इनकी रूम नंबर वाइज। और अब चलते हैं रूम के अंदर, बाहर इन्होंने ये एरिया बना रखा है सिटिंग का, यहाँ पे बैठ सकते हो और उसके बाद यहाँ रूम से एंटर। तो गाइस कंफर्टेबल बेड है, फैसिलिटीज सारी है, लाइट पानी बिजली, यहाँ लाइट जाती है या नहीं जाती है? इन्वर्टर रखा हुआ है, बैठने के लिए इन्होंने अरेंजमेंट बना रखा है, पार्टी इंजॉयमेंट करने के लिए सब कुछ बना रखा है, टॉयलेट साथ में है, पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बेसिकली यानी आपको फुल ऑन सर्विस, गर्म ठंडा दोनों पानी है, लो भी गीजर भी लगा हुआ है, गर्म ठंडा दोनों पानी है, ऑल ओवर सर्विसेज सब बेटर है। अगर आपके पास गाड़ी है तो डेफिनेटली आप आ सकते हो, अगर नहीं है तो पिक एंड ड्रॉप अगर चाहोगे तो वो भी करा देंगे। हम जिस कैंप में आए हैं मिराज कैंप में, तो ये आपके यहाँ पे मैनेजर कह लीजिए सब कुछ देख रेख यही करते हैं। इनका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश है, तो अगर आपको बुकिंग करनी होगी तो आपको कॉन्टेक्ट करें सारे? मेरे को कर देना या फिर हमारे ओनर साहब से कर देना। ठीक है, नंबर शेयर करेंगे तो बेसिकली मिलेंगे आप यहीं पे। आप तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया रखा, हम बैठे हैं अभी, हमने यहाँ पे सनसेट देखा है तो बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, आप बुक करके आइए और यहाँ के कैंप का एंजॉय करके जाइए। डेजर्ट सवारी, जीप सवारी अगर आप चाहो इंक्लूड करवाना चाहो वो भी करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहो तो आप सिंपली स्टे भी ले सकते हो और यहाँ के प्रोग्राम को, कल्चरल डांस को एंजॉय कर सकते हो। फाइनली पहुंच गए अपने रूम में। मतलब एक चीज मुझे समझ नहीं आई, हम जैसे इतनी दूर गए तो अराउंड 35-40 किलोमीटर तक गए, पर वहां पे ठंडी हवा नहीं थी। जैसे हम अंदर एंटर करें जैसलमेर के अंदर, भैया इतनी ठंडी हवा लगी ना,
कि भैया कब कपे छूट गई, और फिर हमने फटाफट दूसरी जैकेट में लेके गया था पहनी। पर कहने मतलब ये कि हम पहुंच गए, शक्लें हो गई थी बेढंगी, तो मुंह धो लिया फ्रेश व्रेश होके, अभी निकलेंगे कुछ खाएंगे वाएंगे। और ऑल ओवर बताऊं तो आपका एक्सपीरियंस हमारा बहुत मस्त रहा डेजर्ट सफारी का। हमने कैमल सफारी करी, डेजर्ट सफारी करी, और इसका प्राइस मैं अगर बात करूं तो वहां पे जो ऑफिशियल रेट है वो है 800 रुपये, जो कि जीप का होता है। और आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप यहां से किसी से बात करते हो तो सब उल्टे सीधे रेट बताएंगे, और बाकी सब अच्छा था। और हम गए थे हॉन्टेड प्लेस, जो कि आपको दिखा दिया है, मे बी आप मेरा ब्लॉग देख चुके होंगे वो वाला, या देखने वाले होंगे। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जैसलमेर में काफी सारी चीजें हैं घूमने की, जोधपुर में देखने की काफी सारी चीजें हैं, तो मजा आया। तो बाहर निकले तो भैया बस आई हुई थी, मुझे लगा था भैया ये टूर वाले आए हुए हैं, तो पता चला हरियाणा से आ रखे हैं। तो भाई लोग कहाँ के भैया? हरियाणा से। सफीदो। सफीदो, हाँ जी। ये सफीदो, वैसे पानीपत तो सुना, सफीदो मैंने पहली बार सुना। पानीपत के पास ही, पानीपत के पास है, विलेज है? नहीं, विलेज नहीं, टाउन है। टाउन है। मजा आ गया तुम लोगों से मिलके। पूरा ये 200 साल पुरानी दुकान है जैसलमेर के अंदर, हाउस ऑफ ट्रेडिशनल एंड स्पेशल स्वीट एंड नमकीन। और मैं भी लेने आया हूँ मिठाई आपके जी, मैं कहा ले जाऊँ। ऑलरेडी वैसे मैं जोधपुर से भी जितनी दुकानें फेमस वाली ना, सबके पैक करा के लेके आ रहा हूँ। सो गाइस फाइनली भैया हो गए रेडी, सामान हो गया पैक, बड़ी मुश्किल से मैंने इसमें घुसेड़ा सामान को भैया, और हम चले वापसी अपने नगर। हमारी ट्रेन है 2:55 की, जैसे कि आपको बताया था, बने रहिए अगर साथ में, आगे और भी सफर करने वाले हैं। हाँ डेफिनेटली ये जरूर बताना कि हमारे ब्लॉग में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपने हमारे ब्लॉग्स देखे हैं तो भैया सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ चेक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे लाइक कर देना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे भैया तो शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। सो गाइस फाइनली पहुंच के हम रेलवे स्टेशन, पता नहीं अंदर शूट करने देंगे नहीं करने देंगे, क्योंकि जोधपुर के अंदर मेरे साथ तो कुछ हो चुका है। ये जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है, उसकी वजह ये भी है क्योंकि हम आ गए हैं रात के वक्त, और रात का कोई भी नहीं नज़र आ रहा मुझे यहाँ पे। टाइम लगता तेल निकल जाता भैया, हम सोचे थे पैदल आने का, पर भैया वाकई में दूर था। तो इन भाई साहब के तोते उड़े हुए अभी तक नींद में लग रहा है, तो बाल भी देखो ऐसे लग, करंट लग जाते ना क्रूर सिंह, वो हाल हो रहा है इसका, पता नहीं शक्ल दिख रही है दिख रही है। तो अंदर चलते हैं, एंट्री गेट है, ट्रेन पहले से खड़ी है स्टेशन पे, S3 के सामने थे हम, अब हम जा रहे हैं, इसका S5 है, मेरा B2 है, 152, ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी है, ट्रेन यहीं से बनके चलती है, और ये ट्रेन हमें पहुंचाने में ऑलमोस्ट लेने वाली है 17 घंटे, तो अभी चलेगी और ये पहुंचाएगी कल दिल्ली में रात के 9 बजे। अरे ये क्या हमारे साथ खेल हो गया भैया, पागल बना दिया गया हमें। अभी हम उधर गए थे चल के, उधर जाने वाले हैं, थकावट यहीं कर देंगे, अच्छा है हम टैक्सी लेके आ गए, पैदल आए होते तो मैं इसको गालियां दे रहा होता। फाइनली B2 में आ गए, और दरवाज़ा नहीं खुला हुआ, अरे सरासर धोखा, आँख हो गया आगे धोखा, चलिए गुस्सा जल्दी। ओके तो ये ट्रेन है, ये जैसे कि आपको पता ही है, तो हम अंदर जा रहे हैं, सीट्स कुछ ऐसी हैं, सीट नंबर 1, 2, 3। आपको कितने है? 48। आगे चलिए सीट आपकी। तो भैया ये सीट्स हैं, तो इस तरह से ट्रेन में मिरर, ये साइड के लिए रूफ, बटन्स लगे हुए हैं, और साइड टेबल, और उसके अलावा 6 सीट्स इधर, और अपने वाला इधर 48 इधर। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई यार, हम स्टेशन पे रुके हैं और लोग तो हैं आसपास, देखते हैं खाने का ऑप्शन क्या है, और मैं फ्रेश कर रहा हूँ यार, एक्चुअली मार बार जगह है, वहाँ पहुँचे हुए हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं, टॉयलेट पेपर पड़ा है, बढ़िया ये चीज़ बढ़िया लगी, और वेरी गुड साबुन भी है, ये ही चाहिए था। तो भैया होते हैं फ्रेश, पंखा लगा हुआ सब ठीक है, क्लीन है। तो भैया भूख लग रही थी, समझ नहीं आ रहा क्या खाया जाए, क्योंकि जब आँख खुली है तब तो स्टेशन निकल चुका था जहाँ खाना मिल रहा है, अब कह रहे हैं अजमेर जाकर रुके ट्रेन, वहाँ मिलेगा खाना, तब तक तो हालत खराब हो जाएगी, तो फिर भी देखते हैं। ऑल ओवर ट्रेन पूरी खाली है, देख रहे हो, 120 रुपये की प्लेट देखे क्या, देखते हैं खा के कैसी है।
सो गाइस फाइनली वी आर बैक, हम आ गए हैं दिल्ली और अब रह गया घर तक का रास्ता। इतना बड़ा बड़ा रास्ता हमने तय कर लिया है और अब चले वापसी। सो ये हमारे साथ है फ्रेंड्स ट्रैवलर, इसको फॉलो कर लेना भैया, ये भी ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है, देखना इसके चैनल पर, विजिट करना। फाइनली दिल्ली आ गए हैं और अपने व्लॉग्स की तैयारी करें, उसके बाद नए ट्रैवल पर निकलना है। और भैया रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर कुछ कमी पेशी लगती है तो कमेंट में बोल दिया करो यार कि ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़ें बताओगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और फैमिली में जुड़ जाओगे तो और भी अच्छा है, और अपने सर्कल में शेयर कर दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये रिक्वेस्ट है भैया। पूरी डिटेल बताऊँगा इस व्लॉग्स की जो हमने ट्रैवल करा है, जैसलमेर और जोधपुर का, कहाँ घूमे, कितना खर्च हुआ है, कहाँ स्टे किया है, सब कुछ बताऊँगा, बने रहिएगा मेरे साथ।